क्या बोलेंगे सर, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कश्मीर में जाके फिर से वही राग आलापा है अडानी को लेके, कि मोदी जी और अडानी जी, अभी वैसे जो रिपोर्ट आई उसमें सबसे अमीर व्यक्ति जो बन गया उसको लेके भी वो आवाज उठा रहे, और कहीं ना कहीं हिंडनबर्ग का जो कॉन्स्पिरेसी था उस पर भी हो रहा है, क्या बोलेंगे, कहीं ना कहीं ये अडानी को ही लेके अडानी राग जो गाते रहते राहुल गांधी, कैसे देखते? इस देश में प्रधानमंत्री का मित्र आप क्या चाहते हैं, कि वो यासिर मलिक हो जो लगातार बलात्कार करे हिंदू महिलाओं का? क्या इस देश में प्रधानमंत्री का दोस्त वो होना चाहिए जो देश विरोधी नारे लगाए, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसके साथ खड़ा हो जाने वाले लोग ये कह रहे हैं कि इस देश में प्रधानमंत्री का मित्र क्यों व्यापारी है? अगर निजीकरण गलत है तो मनमोहन सिंह को पहले जाके जूते मारो जिसने उदारवाद की नीति लाई, और अडानी को अंबानी को, अरे उस अडानी और अंबानी ने किसके राज में आगे आया? छोटे सोचे जो आज स्टार्टअप खोल रहे हैं, वो जो बच्चा विद्यार्थी बन के जाता है मैनेजमेंट की शिक्षा करता है, हम एक कंपनी खोलेंगे और देश में और विदेश में नाम रोशन करेंगे, उसके लिए एक आइडल पर्सन, एक मॉडल पर्सन वो अडानी है, जिसको जिस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एडमिशन नहीं मिला उस कॉलेज में अडानी जी को बतौर चीफ गेस्ट बुलाया जाता है, और ये चीफ गेस्ट ही नहीं बुलाया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप हमारे यहाँ पूर्ववर्ती छात्र हैं, यह हमारा दुर्भाग्य है या हमारा सौभाग्य है कि हम आपके साथ खड़े हैं, और यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम उस समय खड़े नहीं हो पाए। इस बात को याद रख लीजिएगा, अडानी अंबानी इस देश में अगर हैं तो भारत की स्थिति ऐसी है। और जिस मैं कॉलेज की बात कर रहा हूं, अडानी जी का एक बहुत बढ़िया है स्टेटमेंट, इतना बढ़िया बात उन्होंने कहा, एक युवाओं के लिए एक सोच बनी, वो वीडियो लोगों को देखना चाहिए। My dear friends, I was just 16 years old when I decided to break my first boundary. I had to do with giving up my education and choosing to move to an unknown future in the city of Mumbai. People still ask me, why did you move to Mumbai? Why did you not complete your education? The answer lies in the heart of every young dreamer who sees boundaries not as a barriers but as challenges that test his courage. I was driven by a need to see if I had the courage to make a life for myself the most happening scene. पहले हम देखते थे सिनेमा में, अमिताभ बच्चन एक घर के सामने खड़ा होता था, भगा दिया जाता था, फिर उस घर को खरीद लेता है, हम सिनेमा में देख के ताली बजाते हैं, अरे वाह क्या बात है क्या बात है। और आज उसे अडानी को जहां पर वो 16 साल के उम्र में जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, वो इंस्टीट्यूट एडमिशन नहीं देता है, फिर वो अडानी को अपने यहां जब वो सक्सेस बड़े बन जाते हैं तो उन्हीं अडानी जी को बुलाता है अपने यहां चीफ गेस्ट बन के, और अपने यहां का पूर्ववर्ती छात्र बना देता है। तो ये बताइए, ये सिनेमा हिट होने वाली चीज है कि नहीं? जो चीज को हम पर्दे पे देखते हैं और फिक्शन में देखते हैं ताली बजाते हैं, और यहां एक सच्ची हो रही है घटना, वो कह रहे हैं कि आप ये उस अडानी को गाली दे रहे हैं। इस देश के धमक को खत्म करना है, इसलिए उस अडानी को रोको जिसको कॉलेज कभी मना करता है एडमिशन देने से, आज वो कहता है आ जाओ। ये वैसा ही है कि अमेरिका को ने कभी हम नरेंद्र मोदी को कहा था वीजा नहीं देंगे, आज कहता आ जा जीजा खा ले पीजा ले ले वीजा, और वही चीज आज अडानी के साथ भी हो रहा है। इस संघर्ष, हम जैसे लोगों संघर्ष जो करते निकले हैं, आप जैसे लोग जो सोशल मीडिया में शुरुआत करके आज यहाँ पे पहुँचे हैं, ये संघर्ष का प्रतीक अगर कोई है तो अडानी और अंबानी है। ये जो सैकड़े स्टार्टअप चल रहे हैं, ये जो यूनिकॉर्न बन रहे हैं, इसके रोल मॉडल अडानी अंबानी है, जो भारत की नींव को मजबूत कर रहे हैं। तीसरी इकोनॉमी ये कैसे बनेगा यार, ये हम और आपके श्रम से बनेगा, और इस श्रम को लोगों के बीच में जो सत्ता और संघर्ष के बीच में जो मार्गदर्शक बनते हैं वो अडानी अंबानी जैसे लोग बनते हैं। इसलिए इसको कुचल दो, लोगों को गरीब बना करके रखो, जो बंगाल में ममता बनर्जी की पॉलिसी थी, या लालू जी की पॉलिसी थी, या मुलायम सिंह अखिलेश यादव की पॉलिसी थी, वही चाहते हैं पूरे देश में एक मॉडल चले कि लोग गरीब रहे, हम इसको 8,000 रुपया देते रहें, कहाँ से लाएंगे, बाप घर से लाएंगे पता नहीं, लेकिन हम इसको 1,000 दें 2,000 दें वोट ले लें, फ्री बिजली दे दें वोट ले लें, सत्ता बनाते रहे, हम शीश महल में रहे, यही सही चलना चाहिए। और मैं फिर से प्रश्न पूछता हूँ, आपका मित्र सिंग जिंगपिंग होना चाहिए जिसके साथ आप MOU साइन करते हैं, या आपके प्रधानमंत्री का मित्र अडानी होना चाहिए जो पोर्ट बनाता है, जो लाखों लोगों को व्यापार देता है? एक एग्रीमेंट राहुल गांधी सिंग जिंगपिंग के साथ करते हैं, एक एग्रीमेंट नरेंद्र मोदी और अडानी के बीच में होता है, वहां पर क्या होता है पता नहीं है। देश का दुश्मन चाइना के साथ राहुल गांधी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, आपको कौन सा वाला कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा वाला MOU, कौन सा वाला साइन पसंद है, यह देश की जनता बता। आज बांग्लादेश की, आज पाकिस्तान या में भिखमंगों का देश बना, और आज श्रीलंका में लोग प्रधानमंत्री के घर का फ्रिज खोल के खाना खा रहे थे, आज बांग्लादेश में श्रीलंका पाकिस्तान सबकी स्थिति देख लीजिए, अफगानिस्तान सब बर्बाद हो गया क्योंकि उनके पास अडानी और अंबानी जैसे लोग नहीं थे। आज अमेरिका जापान चीन रशिया वो इसलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि उसके पास एलन मस्क है, मार्क जकरबर्ग है। ये बात हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हिंदुस्तान आज
पाकिस्तान की स्थिति क्यों नहीं होती, रिसेशन का असर यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे वैसे लोग फ्रेकर्स क्यों नहीं होते, यहाँ दंगा ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अडानी और अंबानी हैं। और पाकिस्तान की स्थिति खराब हुई, बांग्लादेश की स्थिति खराब हुई, अफगानिस्तान की स्थिति खराब हुई, श्रीलंका की स्थिति खराब हुई, क्योंकि वहाँ पर अडानी और अंबानी नहीं है। अमेरिका की स्थिति अच्छी है क्योंकि वहाँ पर मार्क जकरबर्ग है, एलन मस्क है, जहाँ भी आप देख लो। एक मॉडल समझना होगा कि क्यों इस तरह से प्रहार किया जा रहा है अडानी और अंबानी को, क्योंकि हमेशा से यहाँ पर जिनको मानक बताया गया, जिनको महान बताया गया, उनकी महानता अगर आप किताबों को छोड़कर सड़क पर जाओ तो आपकी महानता नहीं दिखेगी। लेकिन जो लोग सच में महान थे, सुभाष चंद्र बोस की स्मृति को मिटाने का प्रयास किया गया, आनंद भवन तो बस दिखता है, लेकिन जहाँ पर सरदार पटेल रहते थे वो भवन किसी ने नहीं देखा, जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद का बचपन बीता वो नहीं किसी ने देखा, जहाँ भगत सिंह का था वहाँ की स्थिति थोड़ी बहुत बची हुई है, लेकिन क्योंकि ये लोग रियल हीरोज थे। खुदीराम बोस का घर कहाँ है किसी को नहीं पता होगा, लेकिन कांग्रेस का किसी फलाना ने यहाँ पर फुटबॉल खेला था, फलाना ने यहाँ पे हेलीकॉप्टर बनाना उड़ा था और सीखा था, यहाँ आपातकाल के लिए षड्यंत्र रचा गया था, ये सब संग्रहित करके रखा जाएगा। लेकिन यहाँ क्योंकि मानकों को मिटाना है। आपने सॉफ्ट पावर का नाम लिया कि कहीं ना कहीं अडानी और अंबानी जी के द्वारा भारत के भी सॉफ्ट पावर विश्व भर के अंदर बनता है। ये जो भी एक मामला निकल गया था बांग्लादेश के, जो $1 बिलियन देने का मामला था, बिजली का जो बकाया था उसका $1 बिलियन अडानी को देना था, कहीं ना कहीं उस भारत सरकार ने अडानी के थ्रू जो वहां पे हिंसा हो रही थी, यूनिस खान को भी सबक सिखाया कि अगर एक हिंसा नहीं रुकेगी तो ये अडानी बिजली काट देगा और $1 बिलियन देना पड़ जाएगा। मैं बार बार यही कहता हूं, और ये मैं ही नहीं कहता हूं, पूरे विश्व में जो भी अर्थशास्त्र को समझ रहा होता है यही, हमें अडानी अंबानी क्यों चाहिए। अब देख लो मार्क जकरबर्ग क्यों चाहिए था, मार्क जकरबर्ग ने अभी एक लेटर लिखा था ना कि कैसे पूरे देश में किस तरह से अमेरिका के इशारे पर वो चुनाव को प्रभावित कर रहा था, पूरे देश में अमेरिका का आधिपत्य जमा हो जाए इसलिए मार्क जकरबर्ग को खड़ा किया जाता है। तो फिर हम भारतीय कौन से कम हैं, हमने भी कहा कि हम भी अपने यहाँ खड़े करेंगे अडानी अंबानी, और बांग्लादेश को औकात बता दिया ना कि हिंसा रोकोगे तब मिलेगा पैसा, नहीं रोकोगे ख़त्म हो जाएगा। अब मैं बार बार कहता हूँ ये यूक्रेन और ये 140 करोड़ जनता को तो देखता है, मोदी को तो देखता है, लेकिन हर वो व्यक्ति देखता है कि इसके पास ताकत क्या है। ताकत है यही अडानी अंबानी ऐसे लोग जो कहते हैं कि भैया तुम्हारा बिजनेस हम खराब कर देंगे अगर मेरे भारत के अंदर कुछ किए तो, जो भारत के अंदर रोक सकता है, जो भारत में इसलिए व्यापार बड़ा किया जाता है, इसलिए मार्क जकरबर्ग को बड़ा किया जाता है, इसलिए एलन मस्क को बड़ा किया जाता है, और कहीं भी आप अमेरिका चाहिए ब्रिटेन चाहिए। और मैं एक उदाहरण तो आप समझो ना कि जो जो कंट्रियाँ आज बर्बाद हुई है, चाहे अफगानिस्तान से लेकर सीरिया से लेकर के उधर चले जाओ, या पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका चले जाओ नेपाल चले जाओ, ये इसलिए देश बर्बाद होता है क्योंकि इनके पास अडानी और अंबानी नहीं है, और हमारे यहाँ लगातार षड्यंत्र हुआ। आखिर एक बार बताओ, एक व्यक्ति जो यूरोप में बैठा अमेरिका में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी चला रहा है, वो व्यक्ति कहता है मैं $100 मिलियन खर्च करूंगा इसलिए क्योंकि मुझे इस सरकार को गिराना है, भारत सरकार को। क्यों गिराना है? क्योंकि ये भारत सरकार अमेरिका को भी जूते दिखा रही थी, ये ईरान को और रशिया को और यूक्रेन को सबको एक बैलेंस में लेके चल रहा था। अरे ये कैसे हो सकता है, ये लोग तो हमारे यहाँ नमस्ते करके जाने वाले थे, ये तो हमारे यहाँ चंदा मांगने वाले थे, एशिया में अगर खड़ा हो जाएगा इंडिया तो फिर हमारा राज कैसे चलेगा। बांग्लादेश में अमेरिका ने खुलेआम कहा था ना चुनाव नहीं लड़े शेख हसीना, नरेंद्र मोदी अकेले खड़े हुए थे ना कि चुनाव होनी चाहिए बांग्लादेश में, लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए, और वहाँ स्थापना हो गया। जैसे ही भारत में चुनाव, भारत के कारण ही बांग्लादेश में उस समय चुनाव हुआ, वरना जो षड्यंत्र रचे गए थे बांग्लादेश में लोकतंत्र खत्म करने की वो पहले ही हो जाता, लेकिन जैसे 240 सीट पे आए बांग्लादेश का लोकतंत्र खत्म हो गया। इस समस्या को समझो कि आप किस विदेशी ताकतों, आपके यहाँ तो ये हल होता था कि चीन में बारिश हो जाए तो कलकत्ता के सड़कों पर छाता लेके घूमने वाले कम्युनिस्ट बताएंगे कि देश में अडानी और अंबानी की जरूरत नहीं है। ये हमें जब दिल्ली दूर बीजिंग पास का नारा लगाने वाले बताएंगे कि अडानी अंबानी नहीं चाहिए। अरे डाटा डालमिया के हवाई जहाज पे घूमने वाले, और मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि बिरला हाउस में महात्मा गांधी कर क्या रहे थे, जहाँ पे वो रहते थे, वो रहते थे बिरला के यहाँ, तब तो सही था। नेहरू जी अगर उस समय के अडानी अंबानी कौन थे, टाटा बिरला डालमिया जिंदल, ये लोगों के साथ रहे तो ठीक है, क्योंकि इन लोगों को एक लिमिट में रखना था। वो धमक के साथ जो धमक जयशंकर में दिखती है, वो धमक जो मोदी में दिखती है यूक्रेन वॉर में, वो अमेरिका में, वो जो रशिया से तेल रोकने के मामले में,
वो धमक खत्म हो जाएगी अगर ये देश में अडानी और अंबानी ना रहे। हिंदुस्तान को आखिर हिंडनबर्ग की जरूरत क्या पड़ती है कि वो ठीक ऐसी रिपोर्ट लेके आता है जिसको दूसरी बार वो लपेट लाया तो जनता ने तमाचा मारा ना। आज बांग्लादेश की स्थिति इतनी खराब क्यों? क्योंकि वहां बाहरी षड्यंत्र है, और बाहरी षड्यंत्रों को मैनेज कैसे कर सकता है? क्योंकि भारत के पास एक सॉफ्ट पावर है, ये उद्योगपतियों का। ये जाके रशिया में जो वॉर और यूक्रेन के बाद वॉर में जो रुकता है वो भारत ने मोदी के कारण, वो 140 करोड़ के जनतंत्र, और उन्हें भी पता है कि हमारे इनके पास अडानी अंबानी टाटा बिरला जैसे व्यापारी हैं जो हमारे यहाँ पे व्यापार चला रहे हैं, ये सॉफ्ट पावर रोकता है। इसीलिए तो ये षड्यंत्र है ना, बांग्लादेश ने अपने यहाँ ऐसे नहीं किया। और अंबानी अडानी को गाली देकर एक 60 के दशक में एक बहुत बड़े व्यापारी, 60 के दशक में आप समझ लीजिए कौन बड़े व्यापारी होते थे, टाटा बिरला डालमिया उनमें से एक, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, कम्युनिस्टों ने उनके कपड़े बंगाल में उतार दिए थे। इस बीच सड़क पर सारे उद्योग धंधे बाहर चले गए, बंगाल कंगाल हो गया। उसके बाद आज बंगाल में देख रहे हो स्थिति, रोज वहां पर बलात्कार हत्याएं होती रहती है। वही हाल इन लोगों ने बिहार में लालू यादव ने किया। बिरला का बड़ा चॉकलेट होता था मॉर्टन ट्रॉफी, उद्योग टोयोटा, सबके अपनी बेटी की शादी में लालू यादव के गुंडे जाते थे और कार उठा लेते थे। बिहार में सारे उद्योग धंधे भाग गए, जो हम जैसे लोग जो कमाने खाने वाले थे हम बाहर भाग गए। लालू ने यही चाहा और फिर अपने बेटे को बनाया मुख्यमंत्री, जो अपने 15 वर्षों तक मियां बीबी लेकर के राज करता रहा। इसलिए ही, क्योंकि वहां पर उद्योग रहेगा, अडानी अंबानी रहेगा तो वो रोजगार देगा। अडानी अंबानी को गाली क्यों देना? क्यों अडानी? आज पंजाब में अंबानी के सारे रिलायंस के टावर तोड़ दिए गए, लाखों लोग बेरोजगार हुआ। ये चाहते हैं अडानी जी जो लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वो अडानी जी जो हजारों करोड़ का जमा पैसा जमा कराते हैं भारत के कोष में, ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, भारत गरीब का गरीब रहे, तभी तो इनकी सत्ता आएगी। भारत पढ़ लेगा, लिख लेगा, यहाँ पे हाईटेक चले जाएगा। इनका वोट बैंक कौन है? जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका वोट बैंक कौन है? उनके साथ खड़े कौन है? वो विज्ञान से, अरे ये तो शैतान की भाषा है, विज्ञान नहीं पढ़ना है, ये वो लोग हैं। और कम्युनिस्ट राहुल गांधी अभी कर क्या रहे हैं? कम्युनिस्ट सबको बराबर बांट देंगे, समानता ला देंगे। समान बांट दोगे तो मुझे भी बराबर दोगे, अडानी को बराबर दोगे, मैं तो बस यहीं लिखता पढ़ता रह जाऊंगा, अडानी जी फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर क्या करोगे, फिर बराबर बांटोगे? सवाल यही है, एक व्यक्ति जो संघर्षों से, अब इससे बड़ी एक सूत्र बताइए कि अडानी जी 2011 में यूपीए सरकार, कांग्रेस की सरकार में ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस कर रहे थे, आज से पहले कितने संघर्ष किए। और यहाँ पर जो लोग कहता है, क्या अमेरिका के किसी विपक्ष को, क्या जापान के किसी विपक्ष को कहा है अपने, क्या चीन के विपक्ष को कहते सुना है कि अरे ये प्रधानमंत्री, ये अमेरिका का राष्ट्रपति फलाना व्यापारी के साथ क्यों खड़ा है? कभी सुने हो? इसलिए वो तरक्की करता और हम इसीलिए पीछे हो जाते हैं, क्योंकि हमें उद्योगपतियों को गालियां देना है। हमने तो गालियां दे दे करके बंगाल को कलंक बना दिया, वो बना बंगाल सोनार बंगाल था। हमने केरल की स्थिति देख ली, लवजहाद का केंद्र बन गया। हमने बिहार को जंगल राज देखा, और गुंडों की सरकार उत्तर प्रदेश में हमने देखी, और वहाँ पर निवेश आने लगा, तो ये सभी राज्य तरक्की कर रहे हैं। किसी तरह से विदेशी शक्तियां लगी हुई हैं एन केन प्रकारन की भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था मत बनने दो। इसीलिए उस अडानी को रोको, जो अडानी कभी 16 साल में जो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाता उसका रिजेक्ट कर दिया जाता, आज उसी को चीफ गेस्ट बना रहा है, उस अडानी को गाली। अच्छा, एक अभी जो मामला निकल के आया कि केन्या के अंदर एक पोर्ट पे अडानी जी उसको जीते हैं चाइनीज कंपनी के अगेंस्ट जाके, उसके लिए कांग्रेस कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर सवाल उठा रहा है कि वहाँ भी अडानी का विरोध होना चाहिए, क्योंकि केन्या में उसने चाइनीज कंपनी के अगेंस्ट जाके वो बिडिंग जीती। तो ये कहीं ना किसके एजेंडा को बढ़ा रहे, चाइना के एजेंडा को बढ़ा रहे, क्यों चाइनीज कंपनी को हरा दिया? यही सवाल तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये क्यों गालियां दिया जा रहा है अडानी को, क्योंकि तीसरी अर्थव्यवस्था ना बन जाए भारत, इसलिए गाली दो। किसका कंपिटेटर? क्या यह सच नहीं है कि राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना ने पैसा दिया? क्या यह सच नहीं है कि राहुल गांधी और सिंग जिनपिंग ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था? वो कॉन्ट्रैक्ट आखिर क्यों नहीं बाहर आ रहा है? वो कॉन्ट्रैक्ट ये तो नहीं था कि भारत को कभी भी विकसित ना होने दो? और अगर अडानी और अंबानी बढ़ रहा है विदेशों में, भारत की बात तो छोड़ दो, विदेशों में, तो वो किसकी कंपनी को का पीछे कर रहा है? जाहिर तौर पर चाइना की या अमेरिका की और ब्रिटेन की या यूरोप की। और यही लोग तो फिर बांग्लादेश में, यही तो आरोप लग रहा है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र को खत्म ही नहीं सरकारों ने किया, क्योंकि
वहाँ अमेरिका के हिसाब से नहीं चल रही थी शेख हसीना। यही तो हम षड्यंत्र बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी अमेरिका कहता है रसिया से तेल मत लो, महंगा तेल। मोदी कहते हैं ठेंगे पे, मैं तो रसिया से भी लूँगा और जहाँ मेरी मर्जी होगी वहाँ। यूक्रेन भी जाते हैं, रसिया भी जाते हैं और एयर स्पेस दोनों का यूज करते हैं। यहाँ के चिल्ला रहे होते हैं कि मोदी तो अकलियतों का दुश्मन है और उनके लिए स्पेस चलता है सऊदी अरब का। इसराइल जाते हैं जब तो सऊदी अरब अपना एयर स्पेस दे देता है। पूरे षड्यंत्र को समझो कि विदेश में मोदी की एक धमक भारत की एक धमक बनती जा रही है। भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है और भारत में के इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि इसके पास अडानी हैं, इसके पास अंबानी हैं और ये चाइना की कंपनी को लात मार रहे हैं या अमेरिका की कंपनी को लात मार रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया की कंपनी को लात मार रहे हैं। अरे जिन लोगों ने हमें कहा कि यू ब्लडी इंडियंस, उन्हें कैसे बर्दाश्त होगा कि एक इंडियन कभी तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाए? यही षड्यंत्र। और मोदी जी और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को देखो, वही देश तरक्की करता है जिसके पास कोई ना कोई उस देश का अडानी और अंबानी यानी उद्योगपति होता है। यहां पर भारत को रोकना है तो उद्योगपतियों को गाली दो। और सबसे मजे की बात, इन्हें एजेंडा चलाने के लिए कभी विदेशी ताकतों को हथियार भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। जयचंद ही हमारे घर का दरवाजा तोड़ रहा है, कभी भी हमारे देश के किले का दरवाजा बाहर से नहीं तोड़ा गया, हमेशा अंदर से दरवाजा खोला गया। और अंदर से दरवाजा खोलने वाले वो कौन लोग थे जिन्होंने भारत के एजेंटों को मरवाया? वो कौन लोग थे जो अमेरिका में जाकर के कहते थे ये सपेरों का देश है? वो कौन लोग हैं जो यूके में जाकर के कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया और यूएन अमेरिका यूरोप क्या कर रहा है? तो इन गद्दारों को पहचानिए, मैं तो एक बार कहता हूं गद्दारों को पहचानिए। अंबानी और अडानी लाखों लोगों को रोजगार ही नहीं दे रहा है, एक रोल मॉडल खड़ा कर रहा है कि बिजनेस को चलाना कैसे होता है, स्टार्टअप चलाना कैसे होता है, इसलिए। और ये गाली दे रहे होते हैं। अरे मजे की बात देखो, केरल में एक पोर्ट अडानी जी ने बनाया। अभी कम्युनिस्ट और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में लड़ गए, कहते हैं ये अडानी को प्रोजेक्ट कांग्रेस ने दिया, कम्युनिस्ट कहता है ये अडानी को प्रोजेक्ट कम्युनिस्ट ने दिया, दोनों मार कर लिए। और उस समय तो बड़ा मजा आ रहा है। ये दोगला नीति देखो कांग्रेसों का और कम्युनिस्टों का। केरल में ये दोनों मार करते हैं कि अडानी को ये पोर्ट मैंने दिया, मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी अडानी। और ये कह रहे हैं कि अरे नहीं 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 नहीं, अडानी गलत है। ये दोगला केरल में तो कहते हैं अडानी जी आओ हमारे यहाँ, छत्तीसगढ़ में 65,000 करोड़ का आओ अडानी जी, राजस्थान में आओ अडानी जी, लेकिन देश में राहुल गांधी कहते हैं नहीं नहीं अडानी गलत है, क्योंकि राहुल गांधी के पास कॉन्ट्रैक्ट है ना चीन के साथ। अशोक गहलोत का थोड़ी ना चीन के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, या केरल की सरकार का चीन के साथ थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट था, या ममता बनर्जी का कांग्रेस चीन के साथ थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो है, कांग्रेस पार्टी यानी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी एक परिवार की, नेहरू परिवार की, तो इस बात को समझना होगा। और राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा चाइना का आता तो पैसा का मालिक राजा थोड़ी ना बन जाते हैं, केरल का सीएम कांग्रेस का नेता थोड़ी ना बन जाता है। इसलिए दो कांग्रेस है, एक कांग्रेस जो चाइना के साथ कॉन्टैक्ट करता है वो अडानी और अंबानी को गाली देता है। चूंकि कांग्रेस में बने रहना है इसलिए खुश करना है राजा को, इसलिए वो भी अडानी को गाली देते हैं और अडानी को कहते हैं कि आओ भैया हमारे यहाँ बिजनेस करो।